हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और कंपनी लॉ की सीरीज को देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज का सेक्शन है सेक्शन 99, सेक्शन 96, 7 एंड 98। प्लीज सीरीज बाय सीरीज ही देखें। मैं बार बार इसलिए एक ही चीज बोल रही हूँ, बीच में से आके मजा नहीं आएगा। सेक्शन हमेशा कनेक्टिविटी में पड़ा जाता है, मेरा पर्पस मत खराब करो प्लीज। जैसे कह रही हूँ वैसे देखो। ठीक है, तो सेक्शन 99 स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 99 सेक्शन है पनिशमेंट का। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96 से 98। मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन 96 कहता था कि हर कंपनी को एजीएम करनी है। 97 कहता था कि ठीक है, आपने नहीं करी तो ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे रहा है, अब तो कर लो एजीएम। 98 कहता था कि ठीक है, कंपनी ने नहीं करी ईजीएम, अगर ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे रहा है अब तो कर लो। तो तीनों में करनी थी हमें एजीएम या फिर ईजीएम। ठीक है, बट कंपनी मेड अ डिफॉल्ट इन होल्डिंग अ मीटिंग अंडर सेक्शन 96, 97 या 98। यानी कि खुद से नहीं की, ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी तो भी नहीं करी, या ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी तो ईजीएम नहीं करी। ठीक है, या फिर बात सुन लो, तुमने करी ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन देने पे, तुमने करी, बात बहुत ध्यान से सुनना, तुमने करी तो, बट ट्रिब्यूनल ने जो डायरेक्शंस दी थी वो तुमने नहीं मानी। बात बहुत ध्यान से सुनना, तुमने मीटिंग नहीं करी, सेक्शन 96 से नहीं करी, 97 से भी नहीं करी, 98 से भी नहीं करी। ठीक है, एग्रीड, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। बट हो सकता है तुमने 97 या 98 में से ट्रिब्यूनल ने किसी में तुम्हें डायरेक्शन दी हो, तुमने मीटिंग भी करी हो, बट तुम ट्राइब्यूनल की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पाए। बात बहुत ध्यान से सुनना, तुमने ट्राइब्यूनल की डायरेक्शंस को वायलेट किया तो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी पे और कंपनी के हर ऑफिसर पे जो भी डिफॉल्टेड था वो उस पे फाइन लगेगा। हु इज पनिशेबल विद फाइन, फाइन कितना, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो फर्दर फाइन लगेगा, जो विच में एक्सटेंड टू 5,000 एवरी डे, रोज का 5,000, जब तक वो ऑफेंस, जब तक वो डिफॉल्ट आपका रहता है कंटिन्यू। बात समझना, फाइन लगेगा 1 लाख तक, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 5,000 रोज का। समझ में आ रही है, लगेगा किस पे, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर। तो मैम ऑफिसर क्या कौन होता है कंपनी में, तो आओ वो भी बताती हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज 90 सॉरी सॉरी सॉरी, सेक्शन 2 क्लॉज 59, ऑफिसर। ऑफिसर इंक्लूड, सबसे पहले ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, हम इसमें किसी भी और को कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड्स डायरेक्टर, मैनेजर, के एम पी यानी कि की मैनेजीरियल पर्सोनल, या फिर एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हूज, इन अकॉर्डेंस विद हुम डायरेक्शंस और कंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स इज और आर कस्टम टू एक्ट। बात ध्यान से सुनो, ऑफिसर मतलब डायरेक्टर या मैनेजर या फिर की मैनेजीरियल पर्सोनल, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स जो है काम को कर रहे हैं, अकस्टम्ड है मतलब उसी के डायरेक्शंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, या तो मेरा पूरा का पूरा बोर्ड या फिर एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर्स काम को कर रहे हैं, यानी कि फिर हम उनको इंक्लूड करेंगे। यानी कि या तो डायरेक्टर फंसेगा, या मैनेजर फंस सकता है, या के एम पी या पर्सन जो डायरेक्शंस पे काम कर रहा हो। ठीक है, तो कौन कौन फंस सकता है, डायरेक्टर, मैनेजर, के एम पी या फिर पर्सन जो डायरेक्शंस पे काम कर रहा हो, क्योंकि ऑफिसर में तो यही सब आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन मेनली जो है आपका पनिशमेंट के लिए है। ठीक है, कंपनी और ऑफिसर, बात को ध्यान से सुनना, एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है, तो हो सकता है डिफॉल्ट मैनेजर ने भी किया हो, ठीक है, मैनेजर ने भी किया हो, डायरेक्टर ने भी किया हो, के एम पी ने भी किया हो, तो ऐसा नहीं है कोई एक फंसेगा, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। कनेक्टिविटी समझो, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। अब ऑफिसर में डायरेक्टर भी आता है, मैनेजर भी, के एम पी, हो सकता है जो भी डिफॉल्ट पे हो वो सब फंसेंगे। तो बात समझ में आ रही है आपको, पनिशमेंट का सेक्शन समझ में आया।
कि पनिशमेंट क्यों मिलेगी। हो सकता है आपने एजीएम ना करी, हो सकता है आपने करी, ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी, आपने कहा चलो कर लेते हैं, बट डायरेक्शंस नहीं मानी, पनिशमेंट तो मिलेगी, पनिशमेंट तो मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो प्लीज़ देख लो, मैं कहे मुताबिक एक एक सेक्शन करके ला रही हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ एक छोटी सी मेहनत आप लोग भी करें, कंटेंट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ जितना शेयर करोगे थोड़ा सपोर्ट मुझे मिल जाएगा उससे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। बस इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।